मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द व्हाई डू वी फॉल इल। सो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। सो उस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक डिस्कशन किया था अबाउट द डेफिनेशन दैट इज हेल्थ एंड द डेफिनेशन दैट इज डिसीजेस एंड द टाइप ऑफ द डिसीजेस। तो जो बेसिक डिस्कशन था उसको हम आगे लेके चलते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज कम्युनिटी हेल्थ। तो बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? ऑल दोज एक्टिविटी विच द पीपल डू बोथ इंडिविजुअली एंड इन ए ग्रुप। कोई भी एक्टिविटी है, कोई पर्सन इंडिविजुअली कर रहा है या ग्रुप में कर रहा है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ, दैट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी हेल्थ। सो पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मीन्स दो, चाहे वो ग्रुप में एक्टिविटी हो, चाहे कोई पर्सन इंडिविजुअली एक्टिविटी का रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो कम्युनिटी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। सो कम्युनिटी हेल्थ की बात करें अगर, तो वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाय कीपिंग द बॉडी क्लीन। अगर हमने कम्युनिटी हेल्प को देखना है, सोसाइटी और हमें रिलेट करना है, तो हमें अपने आप को हेल्दी तब रख सकते हैं जब अपने आसपास का जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, वो बहुत क्लीन रखेंगे। और फॉर दिस वी रिक्वायर ए गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इन अवर सराउंडिंग। अपनी बॉडी क्लीन तब रहेगी आसपास का जब सराउंडिंग क्या होगा, क्लीन होगा। कम्युनिटी हेल्थ, आसपास का जो हमारा जो सोसाइटी है वो भी क्लीन होगी, इन्वायरमेंट उसका क्लीन होगा, हेल्दी होगा, तो हमारी कम्युनिटी हेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। We can have only by the means of community health and development, ठीक है। तो हम ये तब कर पाएंगे जब हमारी community health क्या होगी, good होगी। और community health को good रखने के लिए हमें अपना surrounding, अपनी body सब कुछ clean रखना होगा। So both personal and community health are interrelated. Personal health तो जरूरी है ही है, आसपास का surrounding भी जरूरी है। So personal health भी जरूरी है और आसपास का सराउंडिंग जरूरी है, मतलब कम्युनिटी भी जरूरी है, कम्युनिटी हेल्थ भी जरूरी है। आसपास का सराउंडिंग रिप्रेजेंट द कम्युनिटी हेल्थ, वो भी जरूरी है। अगर दोनों क्लीन रहेंगे, दोनों अच्छे रहेंगे, तो इंडिविजुअली एक पर्सन क्या होगा, हेल्दी पर्सन इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसके अलावा डिस्कस द बींग हेल्दी एंड बींग डिसीज फ्री। बींग हेल्दी और बींग डिसीज फ्री में क्या डिफरेंस है? तो बींग हेल्दी का मीनिंग बेटा मैंने आपको कल बताया था, हेल्दी में आ जाता है इट इज इज दैट स्टेट इन विच ए पर्सन मस्ट बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होना चाहिए। तो मीन्स व्हाट यू मीन बाय बींग हेल्दी, तो डिफरेंस आता है व्हाट यू मीन बाय बींग हेल्दी, बींग हेल्दी क्या होता है और बींग डिसीज फ्री क्या होता है, डिसीज फ्री क्या होता है। तो बींग हेल्दी का मीन्स है इट इज अ स्टेट ऑफ बींग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। बींग वेल एंड इवन टू फंक्शन वेल फिजिकली, सोशली, मेंटली, दिस इज कॉल्ड बींग हेल्दी। हेल्दी पर्सन वो होगा जो सोशली, मेंटली, फिजिकली तीनों तरीके से फिट होगा। और डिसीज फ्री क्या होगा? डिसीज फ्री रिप्रेजेंट करता है इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रॉम डिसीज। अगर कोई पर्सन है उसमें कोई डिसीज नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो सोशली भी फिट है, ठीक है। डिसीज फ्री का मतलब वो फिजिकली उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है डिसीज फ्री पर्सन, ठीक है। बट हेल्दी पर्सन वो होगा जो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से वेलबींग होगा, ठीक है। इट रेफर टू द इंडिविजुअली फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिविजुअली फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट को रिलेट करता है। लेकिन डिसीज फ्री किसको रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है। इसमें बात होती है बेटा हेल्दी का मतलब है सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, हर तरीके से हेल्दी होना चाहिए। बट डिसीज फ्री के अंदर क्या होना चाहिए? एक पर्सन इंडिविजुअली पर्सन की बात होगी, लेकिन यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, सोशल भी बात हो रही है, सोशली भी बात हो रही है, पर्सनली भी बात हो रही है। यहां सिर्फ पर्सनली बात हो रही है, डिसीज फ्री पर्सन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्दी की बात करूं तो इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। इस हेल्दी, बींग हेल्दी का मतलब है एक पर्सन जो है वो गुड हेल्थ से होना चाहिए। और बींग डिसीज फ्री का मतलब है एक इंडिविजुअल हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। जो जरूरी नहीं है सिर्फ वो डिसीज फ्री हो सकता है, जरूरी नहीं है वो पूरी तरीके से वो हेल्दी हो। तो इसमें क्या होगा? द मस्ट बी ए पर्सन हैज गुड हेल्थ इन विच ए पर्सन मे बी हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बींग हेल्दी एंड बींग डिसीज फ्री? बींग हेल्दी का मतलब क्या हुआ बच्चे? बींग हेल्दी वो होगा जिसके अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से पर्सन क्या है, डिसीज फ्री है और हेल्दी है। इसमें पर्सन सिर्फ फिजिकली डिसीज फ्री है। इसमें बात करें तो इसमें बात होगी इंडिविजुअल पर्सन की भी बात होगी, फिजिकल बात भी होगी, सोशली बात भी होगी। इसके अंदर एक इंडिविजुअल सिर्फ पर्सन की बात होगी। इसके अंदर एक पर्सन जो है दैट मस्ट हैव गुड हेल्थ, और इसके अंदर जो पर्सन है दैट मस्ट हैव गुड हेल्थ और ये मे बी पुअर हेल्थ। वो डिसीज फ्री हो सकता है, पूरी तरीके से डिसीज फ्री नहीं भी हो तो पुअर हेल्थ भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डिसीज एंड इट्स कॉजेस। व्हाट आर द डिसीज एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द डिसीज? तो
डिसीज क्या है? डिसीज इफ एन ए पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ए डिसीज देन सम डिस्टर्बेंस क्रिएट इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सो इफ एन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिसीज फ्री आइदर बाय फंक्शनिंग और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम्स ऑफ द वी कैन से दैट व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिसीज. अगर कोई पर्सन डिसीज से इफेक्टेड है तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, पहला पॉइंट कम्युनिटी हेल्थ, दूसरा पॉइंट आ जाता है बींग हेल्दी एंड डिसीज फ्री, एंड द थर्ड इज वट डू मीन बाय डिसीज. डिसीज किसे कहते हैं एंड कोज ऑफ डिसीज किसे कहते हैं. तो व्हाट डू मीन बाय डिसीज, डिसीज क्या है बेटा? व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिसीज आइदर द फंक्शनिंग और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल मे बी विल चेंज द फॉर द वर्स. मीन्स कहने का मतलब वह एक पर्सन होगा, अगर उसको कोई डिसीज है तो इट मीन्स उसकी किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन में, बॉडी की शेप में कहीं ना कहीं क्या आएगा, चेंज आएगा, अपीयरेंस होगी दैट शो द डिसीज दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. एंड व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस बच्चे मैंने आपको कल भी बताए थे, कुछ पैथोजेंस होते हैं जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया. इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं है, या कई बार ऐसा होता है डिसीज का कारण हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, तो कुछ कारण रहेंगे जिसकी वजह से एक पर्सन दैट कोज विद डिसीज. तो नेक्स्ट वी कैन से दैट व्हाट डू मीन बाय डिसीज, व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिसीज आइदर द फंक्शनिंग, या तो बॉडी की फंक्शनिंग में चेंज आएगा, और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो अपीयरेंस जो होगी वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स. कुछ क्या हो जाएगा, एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन से जो बॉडी की जो सिस्टम होगा वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा. दैट रिप्रेजेंट द डिसीज, ये डिसीज को रिप्रेजेंट करता है. सो जाएगा किसी भी पर्सन के अंदर, जब किसी पर्सन को डिसीज होगा तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स अपियर होंगे, कुछ साइन अपियर होंगे. तो सिम्टम्स की हेल्प से एक पर्सन जो है आप डॉक्टर को बता सकता है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं. ड्यू टू दिस सिम्टम्स जो है जो फिजिशियन होगा वो देखेगा उस पर्टिकुलर डिसीज को, फिर वो कोई ना कोई टेस्ट कंडक्ट करवाएगा उस पर्सन का आफ्टर कंडक्टिंग दिस टेस्ट. ठीक है. इन द लैब, जब कुछ लैब्स होती हैं आपको भी पता है कुछ लैब है, तो उस लैब में टेस्ट कंडक्ट होता है प्रॉपर, जो भी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उसका कोर्स स्टार्ट होता है कि उसे कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाएंगी. सो कोई भी डिसीज होता है बच्चे तो उसके कोई ना कोई क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं. कोई भी डिसीज होगा उसके कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे, उसका कोई ना कोई साइन होगा. दैट जो हम किसको बताएंगे, हम बताएंगे फिजिशियन को, मीन्स हम बताएंगे डॉक्टर को, और डॉक्टर उस सबसे पहले उस टेस्ट को देखेगा और उससे रिलेटेड कोई भी पहले सिम्टम्स को अपीयर करेगा, देखेगा, और जो भी साइन उसको नजर आएंगे उनके बेसिस पे कोई ना कोई वो टेस्ट कंडक्ट करवाएगा. रिपोर्ट ब्लड टेस्ट होता है जैसे. ठीक है. कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, उस टेस्ट को कंडक्ट करवाने के बाद वो उसको आगे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, ये जो डिसीज होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैंने कल भी बताया था. एक तो होता है एक्यूट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज. सो एक्यूट डिसीज क्या था बच्चे, विच इज ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच एक्यूट डिसीज विच लास्ट फॉर द ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अफेक्ट द बॉडी सडनली. ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है लेकिन ये बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, क्विकली इफेक्ट करता है बॉडी को. एग्जाम्पल आ जाता है कोल्ड कफ. और अब आ जाता है क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं, द डिसीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये बहुत समय के लिए रहते हैं ये डिसीज, ये बॉडी में एकदम से डिसअपियर नहीं होते कि 2-3 वीक्स में चले जाएंगे. ये डिसीज अगर किसी पर्सन को होते हैं क्रॉनिक डिजीज तो इट टेक सम टाइम, 6 मंथ, मे बी ईयर, ठीक है, मे बी होल लाइफ. तो ये डिसीज होते हैं क्रॉनिक डिसीज. इसमें आ जाता है हमारे पास डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. ये डिसीज आ जाते हैं हमारे क्रॉनिक डिसीज जो काफी लंबा समय ले जाते हैं. ठीक है. इवन लाइफ टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज. एंड एक्यूट डिसीज वो डिसीज होते हैं बच्चे विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो सिर्फ थोड़े समय के लिए होते हैं और दैट अफेक्ट बॉडी सडनली, और बॉडी में जल्दी से एकदम इफेक्ट शो करते हैं. ये बॉडी में इतनी जल्दी इफेक्ट शो नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, बट ये बॉडी से एकदम से बाहर नहीं निकलते. एंटीबायोटिक्स से एकदम से ये नहीं होगा कि डिसअपियर हो जाएंगे. ऐसे डिसीज को बोलते हैं हम क्रॉनिक डिसीज, और शॉर्ट पीरियड की डिसीज को बोलते हैं हम एक्यूट डिसीज. नाउ व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस, मैंने अभी बताया काफी पैथोजेंस होते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं, मैंने आपको बताया लाइक वायरस, फंगी, बैक्टीरिया. इसके अलावा पुअर अगर हेल्थ होगी और नरिशमेंट अच्छा नहीं होगा, पुअर हेल्थ होगी और नरिशमेंट अच्छा नहीं होगा तभी आपको डिसीज कोर्स होगा. पुअर हेल्थ हो
और या फिर आप न्यूट्रिशमेंट ले जो रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तब भी आपको डिसीज कोस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार पैथोजेंस हो, बैक्टीरिया वायरस इन्वायरमेंट में हो वही आपको इफेक्ट करें। कई बार हम अपनी वजह से भी डिसीज से ग्रस्त हो जाते हैं, लाइक अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, प्रॉपर मिल्क नहीं लेते, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं लेते, विटामिन्स नहीं लेते, हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है। और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो गई तो अगर कोई अगर बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी में एंटर भी करेगा तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। उस इम्यूनिटी वीक होने के कारण हमारी बॉडी उसके लिए फाइट नहीं कर पाएगी, लिम्फोसाइट्स हमारे वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारे WBC उसके लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है कई बार, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते जिसके कारण हमें डिसीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो रहेगा कॉज ऑफ डिसीज का, फर्स्ट रीजन याद कर लीजिए ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया फंगी वायरस। एंड सेकेंड रहेगा पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट और नॉट ए गुड नरिशमेंट मैन पर्सन टेक देन द डिसीज विल टेक्स प्लेस। इसके अलावा हेरिडिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं बच्चे, कई बार कुछ डिसीज हमें हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हेरिडिटी से आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कुछ डिसीज, वो भी हमारे डिसीज का कारण बनते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, हम वीक है अंदर से, इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप करने के लिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो हमारी बॉडी बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाएगी और हम हर वक्त ही डिसीज से ग्रस्त रहेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इतना ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से एयर में, वाटर में, सॉइल में, इतने पोल्यूशन की वजह से डिसीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं डे बाय डे। सो बट दीज आर द कॉजेज ऑफ द डिसीज, ठीक है, कॉजेज याद रखिए। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ होती है सराउंडिंग हेल्थ और पर्सनल हेल्थ होती है इंडिविजुअल हेल्थ, दोनों का ध्यान रखना जरूरी है, दोनों इंटर रिलेटेड है। इसके अलावा आ जाता है बीइंग हेल्दी और बीइंग डिसीज फ्री में क्या फर्क है। हेल्दी पर्सन वो बताया जो सोशली मेंटली फिजिकली फिट होगा, और डिसीज फ्री वो होगा जो सिर्फ हेल्दी वो फिजिकली फिट होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसीज क्या होता है, जब कोई बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज होती है जिससे बॉडी की फंक्शनिंग और अपीयरेंस में चेंज आता है, बॉडी के सिम्टम्स, बॉडी में कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीज। और कुछ सिम्टम्स और साइन जो अपीयर होते हैं बॉडी की वजह से, उससे हम डॉक्टर से कंसल्ट कर पाते हैं, डॉक्टर हमें प्रॉपर एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिससे हमारी बॉडी में जो भी डिसीज है वो हम पता लगा पाते हैं कि हमें क्या हुआ है। इसके अलावा व्हाट आर द कॉज ऑफ डिसीज, कौन कौन से कॉज है डिसीज के, तो कॉज ऑफ डिसीज की बात करें तो कॉज ऑफ डिसीज में पहला आ जाता है हमारे पास पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस के अटैक की वजह से लाइक बैक्टीरिया फंगी वायरस। दूसरा आ जाएगा लैक ऑफ न्यूट्रिशमेंट की वजह से। तीसरा आ जाएगा लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, लोअर पुअर इम्यूनिटी की वजह से। फोर्थ आ सकता है हमारे पास ड्यू टू हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। और फिफ्थ आ सकता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें डिसीज बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हमें अपने अगर हम अपना सराउंडिंग क्लीन रखें, मतलब कम्युनिटी हेल्थ का ध्यान रखें और पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखें, तो हमें जो डिसीज होंगे वो कम से कम लगेंगे। तो इसलिए हमें ये दोनों बातें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस बेसिक डिस्कशन को हमने डिटेल में पढ़ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोनों के एग्जाम्पल, एक्यूट में आ जाएगा कोल्ड कफ फीवर, और क्रॉनिक डिसीज में आ जाएगा बच्चे ये लंबे समय की डिसीज है, इसमें आ जाएगा डायबिटीज, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कैरी दिस चैप्टर, ठीक है। आगे हमारा बहुत लेंथी चैप्टर है, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे की नॉलेज हो सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।